नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 22 नवंबर। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। पटना में फैशनिस्ता फैशन प्रदर्शनी के सेल का हुआ शुभारंभ। पटना में फैशनिस्ता फैशन लाइफस्टाइल प्रदर्शनी के सेल का आयोजन हुआ था। आयोजित प्रदर्शनी में 20 विभिन्न जगहों के 65 फैशन डिजाइनर के कपड़े और सामान सेल में चार चांद लगा रहे थे। वहीं फैशनिस्ता फैशन के मैगजीन के डायरेक्टर ने मीडिया में बातचीत के दौरान बताया कि 26 शहरों में करीब 250 यादगार सेल लगाए जा चुके हैं। हम पिछले 12 वर्षों में इस क्षेत्र में बने हुए हैं, जिसके लिए हमने कई अवार्ड्स भी जीते हैं। बिहार में पायलट प्रोजेक्ट हुआ लॉन्च। बिहार के विभिन्न जिलों में पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, जिसके तहत अब मौसम के मुताबिक खेती कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जहां कम खर्चे में अच्छी खेती का दावा सरकार ने किया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि सरकार ने 60 करोड़ के फंड के अंतर्गत 8 जिलों में 40 गाँव से इस योजना का शुभारंभ किया है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकार द्वारा शुरू किए गए अभियान पर अपनी खुशी जाहिर की है। अब आइए हम जानते हैं बिहार के जाने माने हस्ती के बारे में। आज इस सेगमेंट में हम बात करेंगे ऋचा चड्डा की। ऋचा चड्डा मूल रूप से बिहार की निवासी है। ऋचा का जन्म बिहार की राजधानी पटना में हुआ था, मगर ऋचा ने अपनी पढ़ाई दिल्ली से पूरी की है, जिसके बाद ऋचा अपना करियर बनाने मुंबई चली गई, जहाँ काफी स्ट्रगल के बाद उन्हें 2008 में कॉमेडी फिल्म ओए लकी लकी ओए में काम करने का मौका मिला, जिसके पश्चात ऋचा काफी फिल्मों में बतौर सपोर्टिंग एक्टर नजर आई है। वहीं 2012 में गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म के कारण उन्हें फिल्मफेयर अवार्ड से भी नवाजा गया था। गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म के कारण ही ऋचा को बॉलीवुड में लोकप्रियता भी बढ़ी है, या यूं कहें कि ऋचा के फिल्म करियर का ब्रेक गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म से ही मिला। डीईओ के कार्यों के प्रति लापरवाही पर शिक्षा विभाग ने जताई नाराजगी। शिक्षा विभाग ने कई जिलों के डीईओ के कार्यों के प्रति लापरवाही को देखते हुए शो कॉज जारी किया है, जिसके तहत अभी तक भागलपुर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, मधुबनी, पश्चिमी चंपारण, बक्सर, सारण, अरवल, दरभंगा, गया और शेखपुरा के जिला शिक्षा पदाधिकारियों के खिलाफ शो कॉज जारी किया गया है। दरअसल आपको बता दें, शिक्षा विभाग ने यह शो कॉज लाभुकों के आंकड़ों की एंट्री को लेकर हो रही गड़बड़ियों के कारण किया है। भूटान के विदेश मंत्री पहुंचे नालंदा। भूटान के विदेश मंत्री इन दिनों भारत दौरे पर है, जहां भूटान के विदेश मंत्री डॉक्टर तांडी दोरजी समेत कई अधिकारी राजगीर के भगवान बुद्ध मंदिर पहुंचे और साथ ही साथ नालंदा के विश्वविद्यालय का दौरा भी किया। इतना ही नहीं, भूटान के विदेश मंत्री ने राजगीर में गृद्धकूट पर्वत पर जाकर पूजा अर्चना की, साथ ही साथ नालंदा में बन रहे भूटानी मंदिर का जायजा भी लिया, जहां उन्होंने भूटानी मंदिर के निर्माण में तेजी लाने के लिए इंजीनियरों से बातचीत भी की। सीतामढ़ी जाने वाले लोग इन पर्यटन स्थलों पर जरूर भ्रमण करने जाएं। सीतामढ़ी जाने वाले लोग इन मशहूर स्थलों पर भ्रमण करना ना भूलें। सीताकुंड टेम्पल, जानकी मंदिर सीतामढ़ी, हलेश्वर स्थान, पंथ पकड़ जानकी मंदिर जरूर घूमने जाएं। पटना से सीतामढ़ी गाड़ी से सफर करने वाले यात्रियों को 3 से 4 घंटे का सफर करना पड़ेगा। वहीं ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को 10 से 11 घंटे का सफर करना होगा। पटना से सीतामढ़ी बाय रोड की दूरी NH 22 से 134.1 किलोमीटर है। भगवान राम की शिक्षा स्थली पर बांटे गए लिट्टी चोखे के प्रसाद। बक्सर में पंचकोश यात्रा के दौरान बक्सर के ही किला मंदिर में गुरुवार को लिट्टी चोखा महोत्सव मनाया गया, जहां श्रद्धालुओं की भीड़ देखने लायक रही। यहां की यह मान्यता है कि जनकपुर जाने से पहले भगवान राम लक्ष्मण ने बक्सर में रुककर लिट्टी चोखा खाया था, जिसके बाद से हर साल इसी समय में सभी श्रद्धालु चरित्रवन में प्रसाद बनाकर भगवान राम और लक्ष्मण को चढ़ाकर उसे ग्रहण करते हैं। बिहार मैट्रिक परीक्षा के लिए केंद्रों की सूची की गई जारी। मैट्रिक परीक्षार्थियों के लिए अहम सूचना। बिहार बोर्ड ने सभी मैट्रिक परीक्षार्थियों के परीक्षा हेतु विभिन्न केंद्रों की सूची जारी कर दी है। 3 फरवरी से शुरू होने वाले इस परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों के साथ टैग हुए विद्यालयों की भी घोषणा की गई है। साथ ही साथ परीक्षा से जुड़ी बाकी जानकारियों की घोषणा भी बिहार बोर्ड समय समय पर करती आ रही है, ताकि बच्चों को परीक्षा में शामिल होने में किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। पैक्स चुनाव से जुड़ी अहम सूचना। 9 दिसंबर से शुरू होने वाले पैक्स चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी की गई है, जिसके तहत पहले चरण का यह चुनाव 76 पैक्सों में मतदान के साथ होगा। पहले चरण के चुनाव में शाहकुंड प्रखंड से समस्तीपुर, कपसौना सरहा, दामोदरपुर अम्बा, शाहकुंड, गोबराय, दासपुर, किशनपुर, अमखोरिया, सरौनी, जमालपुर खैरा, हरपुर, पंचरुखी, वासुदेव, पैडोमियामाल, कोदंडा डोराडी, हाजीपुर और दरियारपुर शामिल है। वहीं सनहौला प्रखंड से महेशपुर, फरदीमपुर, श्रीमतपुर, अमदीहा, मदारगंज, अदलपुर, सकरामा, तलौंधा में पैक्स चुनाव होंगे। इसके अलावा नारायणपुर प्रखंड के बैंकुटपुर, जयपुर, जुहर पश्चिम, कस्माबाद, ब्रह्मपुर, नारायणपुर और नगरपाड़ा दक्षिण में पैक्स चुनाव के मद्देनजर मतदान करवाए जाएंगे।
राजधानी एक्सप्रेस का हुआ ट्रायल। देश के सबसे व्यस्त माने जाने वाले ग्रेट कार्ड रेलखंड में राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का ट्रायल किया गया है, जहां इस ट्रेन की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटे दर्ज की गई है। आपको बता दें, 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली इस ट्रेन का ट्रायल RDSO के निर्देशानुसार लिया गया है। स्पेशल राजधानी ट्रेन सुबह 9:30 बजे गया स्टेशन से रवाना हुई, जो कि 3:30 बजे कानपुर पहुंच गई थी। मिथिला लोक उत्सव का टेंडर का काम हुआ पूरा। 19 नवंबर को 2 दिवसीय मिथिला लोक उत्सव के मद्देनजर इवेंट कंपनी के टेंडर का काम पूरा कर लिया गया है, जिसके पश्चात यह ठेका पटना के बॉबी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सौंपा गया है। आपको बता दें, मिथिला लोक उत्सव के टेंडर को हासिल करने के लिए 4 विभिन्न कंपनियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से सबसे कम रेट बताने के कारण बॉबी एंटरटेनमेंट को मिथिला लोक उत्सव का ठेका सौंपा गया है। आज से शुरू होगा बिहार के विधानमंडल का शीतकालीन सत्र। 22 नवंबर से, यानी कि आज से, बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का शुभारंभ हो जाएगा। आज से शुरू होने वाला यह सत्र आने वाले 5 दिनों तक जारी रहेगा। इन 5 दिनों में कई राज्य के विधेयक समेत द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी के पारित होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। इसके साथ ही अगर सत्र के पहले दिन ही किसी नए सदस्य का निर्वाचन हुआ तो उस नए सदस्य का शपथ ग्रहण समारोह भी किया जाएगा। डमी एडमिट कार्ड में 25 तक करवा सकते हैं सुधार। मैट्रिक परीक्षार्थियों के लिए अहम सूचना। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को दूसरे बार जारी किए गए डमी एडमिट कार्ड में एरर करेक्शन के लिए समय सीमा में बढ़ोतरी की है, जिसके तहत अब छात्र अपने एडमिट कार्ड से जुड़ी किसी भी जानकारी को सही 25 नवंबर तक करा सकते हैं। पहले यह तारीख 14 से 20 नवंबर तक ही सीमित थी। बिहार के फसल चक्र में करेंगे नीतीश कुमार बदलाव। जलवायु परिवर्तन को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में फसल चक्र में बदलाव करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि फसल चक्र में बदलाव से किसानों को आमदनी में बढ़ोतरी होगी, साथ ही साथ फसलों को हो रहे नुकसान में भी रुकावट आएगी। बिहार सरकार यह योजना साल 2016 में ही लागू करना चाहती थी, मगर कुछ कारणों की वजह से बार बार इस योजना को स्थगित करना पड़ रहा था, मगर अब आखिरकार अब जाकर इस योजना की शुरुआत बिहार में होगी। मुझे इस बात से बहुत ज्यादा ही खुशी है। कावर झील अब पर्यटन स्थल के रूप में होगा विकसित। एशिया में वेटलैंड एरिया की सबसे बड़ी झील कावर झील की हालत में अब बदलाव आने जा रहा है। केंद्र सरकार ने इसके लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। जलीय इकोसिस्टम संरक्षण केंद्रीय प्लान के तहत केंद्र सरकार ने देश के 100 झीलों की सूची में कावर झील को भी शामिल किया है, जिसके पश्चात अब केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगी। पटना मेट्रो में शामिल हो सकते हैं 2 और स्टेशन। पटना वासियों के लिए जल्द ही पटना में मेट्रो की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। अगले साल से इसके निर्माण कार्य में भी तेजी आ जाएगी। ऐसे में अब पटना मेट्रो में 2 और स्टेशनों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत मेट्रो अब खेमनीचक से होते हुए ISBT तक जाएगी। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने राजद पर कसा तंज। देशभर में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी को लेकर छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। ऐसे में राजनीतिक बयानबाजी ने भी तुल पकड़ना शुरू कर दिया है। JNU में छात्रों के जारी प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा सख्ती से पेश आने पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा था कि छात्रों पर पुलिस द्वारा की जा रही सख्ती के हम सख्त खिलाफ है, जिसके जवाब में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि फीस वृद्धि कोई इतना बड़ा मामला नहीं जिसके कारण संसद मार्च निकाला जाए। हकीकत तो यह है कि जो लोग इस देश को बांटने जैसी गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं, वो अब इन छात्रों को गुमराह कर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। भूमि विवाद के निवारण के लिए मुख्यमंत्री ने दिए अहम निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में भूमि विवाद को समय पर सुलझाने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं, क्योंकि उनका मानना है कि राज्य में अधिकतर अनैतिक वाक्य भूमि विवाद और संपत्ति से ही जुड़े होते हैं, इसलिए भूमि विवाद के समाधान को प्राथमिकता देना हमारा मूल रूप उद्देश्य है। गांधी सेतु पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही शुरू। पुलों पर गाड़ियों के बढ़ते दबाव को देखते हुए सभी पुलों से भारी गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगाने का फैसला सुनाया गया था, मगर अब एक बार फिर इस फैसले में बदलाव करते हुए गांधी सेतु पुल पर भारी गाड़ियों की आवाजाही को एक बार फिर से शुरू किया गया है, जिसके पश्चात अब कोइलवर पुल पर आरा पटना रूट को वन वे कर दिया गया है। वहीं गांधी सेतु पुल पर गाड़ियों के परिचालन को पहले की तरह ही समान कर दिया गया है। तैराकी में मनवाया था लोहा, अब चाय बेचने को हो गया है मजबूर। कहते हैं प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, लेकिन आज यह कहावत झूठी साबित हो गई है। कभी देश के नेशनल तैराक रहे, आज चाय की दुकान चलाने को मजबूर है। नेशनल तैराक गोपाल प्रसाद को 1987 में तैराकी में ख्याति मिलनी शुरू हो गई थी। उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए देश के कई शहरों में तैराकी की प्रतियोगिता में भाग लिया और मेडल जीते, लेकिन आज वह मेडल उस प्रतिभाशाली खिलाड़ी के किसी भी काम नहीं आ रहा है। यह मेडल उस चाय की दुकान की शोभा जरूर बढ़ा रही है। सहरसा से सुपौल के बीच अब दौड़ेंगी ट्रेन। कोसीवासियों के लिए खुशखबरी, 25 दिसंबर 2016 से बंद पड़ी ट्रेन सेवा का शुभारंभ जल्द ही होने जा रहा है।
जल्द ही कोसीवासी सहरसा से सुपौल के बीच ट्रेन से आना जाना कर सकेंगे। सहरसा के डीआरएम अशोक महेश्वरी ने बताया है कि ट्रेन के परिचालन को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित करने के लिए रोका गया था, मगर अब आने वाले 2 से 3 सप्ताह के अंदर ट्रेन का परिचालन सहरसा से सुपौल के बीच शुरू हो जाएगा। सरयू राय के समर्थन में प्रचार करने नहीं जाएंगे नीतीश कुमार। झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियों ने अपने स्टार प्रचारकों को भी मैदान में उतार दिया है। वहीं इस बार के चुनाव में यह देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की जितनी भी पार्टियां झारखंड में अपनी किस्मत आजमाने उतरी है, उनका फैसला जनता क्या करती है। इसी बीच आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि जिस सरयू राय को जदयू ने अपना समर्थन सौंपा है, उसे ही समर्थन में प्रचार करने के लिए नीतीश कुमार नहीं पहुंचेंगे। उन्होंने उनके द्वारा सरयू राय के समर्थन में प्रचार करने के अटकलों पर पूर्ण विराम लगाते हुए कहा है कि वहां हमारी कोई जरूरत नहीं है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 21 नवंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति ग्राम 3,727 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति ग्राम 3,913 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 48,400 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 80.04 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं डीजल 71.33 रुपए प्रति लीटर था। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच होने वाले डे नाइट टेस्ट मैच पर बोले सौरभ गांगुली, आज भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों के सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच खेला जाना है। कोलकाता के ईडन गार्डन में खेले जाने वाले इस मैच पर बीसीसीआई प्रमुख सौरभ गांगुली ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इस डे नाइट टेस्ट मैच के लिए शुरुआती 4 दिन के टिकट काफी पहले ही बिक चुके हैं। पिच भी अच्छी है, मैं काफी ज्यादा उत्साहित हूं। वहीं मैच के दौरान लोगों के मनोरंजन के लिए भी काफी कुछ खास देखने को मिलेगा। अब आइए जानते हैं मौसम का हाल। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में हल्की धूप के साथ ही ठंड का असर बढ़ेगा। वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में भी दिन में हल्की धुंध और हल्की धूप के साथ मौसम सामान्य रहने के ही आसार हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए। अपने सुझाव हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे नए YouTube चैनल चक दे क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।